दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। लेकिन आप वीडियो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दो नए अपडेट जो आया है, थंबनेल देख के आप जान ही गए होंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला अपडेट के बारे में जानने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल की क्रोम ब्राउज़र को ढूंढ कर उसको ओपन करना है, क्योंकि यह सिस्टम ऐप से सबके मोबाइल में होता है। तो देखिए मेरा क्रोम ब्राउजर ही रहा, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा, सर्च बार है, इस पर क्लिक करूँगा और उसमें लिखना है EPFO, इतना ही लिख करके आपको सर्च कर देना है। तो देखिए मेरा ऊपर ही आ गया, उस पर क्लिक कर देता हूँ तो EPFO का पेज खुल जाएगा। तो देखिए सबसे ऊपर ही लिखा है एम्प्लॉय प्राइवेट फंड। कभी कभी यहाँ पे एम्प्लॉय प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशन भी रहता है, कभी कभी EPFO रहता है, कभी कभी मेंबर होम रहता है, कभी कभी UNE भी रहता है। तो ऊपर वाला ये वेबसाइट जो है www.epfindia.gov.in, ये आपको देख लेना है और नीचे में जो रहेगा उस पर क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा, देखिए नेक्स्ट पेज खुल गया। तो थोड़ा जूम कर लेना है आपको, थोड़ा मतलब बड़ा कर लीजिएगा। इसमें जो भी बदलाव होता रहता है वो ट्विटर पर आता रहता है, ट्विटर का यहाँ चिन्ह है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो नेक्स्ट पेज खुल जाएगा आपका। अगर लॉगिन आप किए होंगे तो ठीक है, नहीं तो ये पेज खुल जाता है। हमको लॉगिन करने के लिए आप अगर ट्विटर चलाते होंगे तो आपको लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो हमको लॉगिन करने के लिए कर रहा है, तो हम अभी नहीं लॉगिन करते हैं, तो यहाँ क्रॉस का निशान है उस पर क्लिक करके उसको कट कर देते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद देख लीजिए लाइव सेटिंग ऑफ पब्लिक फाउंडेशन, मतलब 231 CVT मीटिंग, मतलब 231वां CVT मीटिंग चल रहा है। मतलब इसमें क्या फैसला लिया जाएगा वो आपको बाद में पता चलेगा। देख लीजिए दो दिन मीटिंग चलने वाला है, तो 29 और 30 जुलाई 2022, मतलब मीटिंग उसके बाद आपको 31 तारीख मतलब 1 अगस्त को आपको पता चलेगा। ये एक दो दिन बाद पता चलता है, तो भी जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए ये 231वां मीटिंग चल रहा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टेड एम्प्लॉय प्राइवेट फंड, मतलब प्राइवेट में। इस मीटिंग में कौन कौन भाग लिए हैं? श्री भूपेंद्र यादव, श्री रामेश्वर तेली, श्री सुनील बंसल, मतलब ये सब मीटिंग में शामिल हुआ है। तो यही आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट अपडेट ये रहा, तो इसको आप फीडबैक कर करके मोबाइल के होम पेज पे चले जाइएगा। देखिए मैं बैक कर करके अपने मोबाइल के होम पेज पे चला जाता हूँ, फिर अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। दूसरा वाला जो अपडेट हुआ है वो भी आपको बताना है। तो मैं क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ सर्च बार पर क्लिक करना है और सर्च बार पर मैं पहले भी EPFO लिखा था, आप अगर नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा। तो फर्स्ट वाला जो उस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा। उसके बाद में है यहाँ पर एम्प्लॉय प्राइवेट फंड जो लिखा हुआ उस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज खुलेगा, तो इसको थोड़ा जूम कर लेना। उसके बाद KYC अपडेशन मेंबर जो लिखा है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही उसके बाद देखिए नेक्स्ट PF का होम पेज है, इसका मैं लिंक भी आपको दे दूँगा। तो इस पेज पर आप डायरेक्ट आ सकते हैं। तो ऊपर में 3 डॉट है, कभी कभी वहाँ रेड का निशान भी रहता है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही क्लिक करिएगा, नीचे डेस्कटॉप साइड लिखा है, बॉक्सिंग निशान है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में देखिए डेस्कटॉप साइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको UNE नंबर और पासवर्ड लिखना है। तो UNE नंबर भी नहीं पता है तो UNE नंबर भी पता करने का वीडियो मेरे चैनल पर है। नीचे पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड भी नहीं बनाना आता है तो वो भी मेरे चैनल पर वीडियो है। तो मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद देखिए UNE नंबर और माय पासवर्ड अपना लिख देता हूँ। देखिए आप भी अपना लिख दीजिएगा। तो मैं अपना UNE नंबर और पासवर्ड लिख दिया। उसके बाद में एक कैप्चा जो है, एक कैप्चा सही सही लिख देना है।
जैसे स्मॉल में कैपिटल में जैसे अक्षर वैसे सही सही आपको लिखना है, नहीं तो ये नहीं लेता है। अगर चेंज करना होगा तो यहाँ पर जो सिंबल का निशान है उस पर क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा जूम करिएगा उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ, उसके बाद इस सिंबल के निशान पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए मेरा कैप्चा चेंज हो गया। तो ये कैप्चा देख के नीचे लिख देना है, तो मैं अपना कैप्चा लिख दिया। उसके बाद में देखिए थोड़ा साइड में आना है, दाहिने से बाएं साइड, और यहाँ पे लिखा होगा देखिए साइन इन, इस साइन इन पर आपको क्लिक कर देना है। साइन इन पर जैसे ही क्लिक करिएगा उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज खुलाते, ये नामनी के लिए है, नामनी का नाम ऐड के लिए क्लियर क्लियर आता है, मतलब जल्दी ही नामांकन कर लीजिए। तो नामनी के बारे में कैसे आपको जोड़ना है, क्या करना है, वो भी मैं बताया। तो इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर लेटर लिखा है तो लेटर पर क्लिक करके इसको हटा देता हूँ। उसके बाद में देखिए मैं ऊपर की तरफ आता हूँ, ऊपर बहुत सारा ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो मैनेज लिखा हुआ है उस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में ये KYC जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करते हैं, तो देखिए ये नेक्स्ट पेज खुलेगा। तो मेरा सब कुछ KYC मतलब हुआ है, तो यहाँ पर लिखा है सर्विस इज अंडर मेंटेनेंस, तो दूसरा अपडेट यही है। आप भी अगर चेक करिएगा तो आप में भी यही लिखेगा, आप ये मत समझिएगा हमको में कोई प्रॉब्लम है इसलिए हमको में लिख रहा है। अभी सर्विस अंडर मेंटेनेंस में है, अगर आप कुछ भी KYC अभी करिएगा तो आपका KYC अभी पेंडिंग में रहेगा, क्योंकि अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है। मेंटेनेंस मतलब कोई तकनीकी खराबी होगा वो उसमें मेंटेनेंस का काम चल रहा होगा, इस चाहे इसके बाद एक कोई नया अपडेट आएगा, कुछ नया बदलाव होगा, तो जो भी बदलाव होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो उसके बाद फीडबैक कर करके मोबाइल के होम पेज पे चले आइएगा। तो यही है दूसरा।